हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में ज्यूरिसप्रूडेंस में कुछ हम डिफरेंसेस आपको बता रहे थे, तो इसी में अगला एक डिफरेंस है प्राधिकार पूर्ण और अनुनय पूर्ण, अर्थात पूर्व निर्णय और बाध्यकारी में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश में है अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और परसेसिव प्रेसिडेंट। तो जो बाध्यकारी है मतलब प्राधिकार पूर्ण है, वो पूर्ण निर्णय ऐसा पूर्ण निर्णय है जो अन्य न्यायाधिकरण अपने समक्ष विचाराधीन वाद में मानने के लिए बाध्य है। तो प्राधिकार पूर्ण का मतलब हो गया कि जब कोई अधिवक्ता किसी पूर्ण निर्णय का हवाला देते हुए कहता है तो न्यायालय उस पूर्ण निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है। अब ये जो अनुनय निर्णय है, ये ऐसा पूर्ण निर्णय है जिसमें दूसरे न्यायाधिकरण सम्मान देते हैं परंतु उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुनय निर्णय जो होता है वो न्यायाधिकरण मतलब न्यायालय में उनको रिस्पेक्ट दी जाती है लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं होते, वो मान भी सकते और नहीं भी मान सकते। फिर प्राधिकरण पूर्ण निर्णय विधि एक महत्वपूर्ण स्रोत है लेकिन अनुनय निर्णय पूर्ण निर्णय विधि का स्रोत नहीं है। प्राधिकार पूर्ण निर्णय बाध्यकारी प्रभाव रखता है लेकिन अनुनयी पूर्ण निर्णय की प्रकृति जो होती है वो बाध्यकारी नहीं है। इसकी बाध्यकारी प्रभाव रखती है, उसकी बाध्यकारी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत क्षेत्र के सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्राधिकरण पूर्ण निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो उनके अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है और वह पूर्ण निर्णय में यूज होता है तो उसे बाध्यकारी मानेंगे अधीनस्थ न्यायालय। एक राज्य के उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के लिए आंग्ल एवं अमेरिकन न्यायालयों के निर्णय भारतीय न्यायालयों के लिए अनुनय निर्णय है। अब कहने का मतलब है कि एक किसी राज्य के न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य के न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन अगर वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय है तो मान्य हो सकता है, ऐसे मान्य नहीं हो सकता। अब इसमें अगला डिफरेंस है मौलिक अधिकार और ऑर्डिनरी मतलब सामान्य अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट। तो मौलिक अधिकार तो हमने पढ़े ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलिक अधिकार मौलिक है क्योंकि यह अतिश्रेष्ठ होता है तथा विधायिका कार्यपालिका तथा राज्य द्वारा इसे उल्लंघन के विरुद्ध इसे प्रत्याभूति सुरक्षा प्राप्त है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो इसमें प्रत्याभूति प्राप्त है। सामान्य अधिकार निर्माण की समान क्षमता के अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित सामान्य विधि का उत्पाद है। मौलिक अधिकार कार्यपालिका या विधायिका हस्तक्षेप या सामाजिक दबाव के बाहर होते हैं और जो सामान्य अधिकार है राजनीतिक विवाद के अंतर्गत होते हैं तथा सामाजिक दबाव के अंतर्गत कार्यपालिका तथा विधायिका हस्तक्षेप के अंतर्गत होते हैं। मौलिक अधिकार का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय जैसे शीर्ष न्यायालय द्वारा कराया जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन जैसे अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट जा सकता है। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय को यह विशेष कर्तव्य है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करें। समान अधिकार समान न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जाते हैं, मतलब जो समान अधिकार होते हैं वो समान न्यायालय द्वारा इन्फोर्समेंट कराए जाते हैं। मौलिक अधिकार पवित्र तथा मूल्यांकन होते हैं परंतु इनका संशोधन हो सकता है, जैसे केशवानंद बनाम भारतीय राज्य में प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए। सामान्य अधिकार प्रकृति के होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकारी की तरह महत्व नहीं है। कहने का मतलब जो सामान्य अधिकार होते हैं उनको मौलिक अधिकार की तरह मान्यता नहीं प्राप्त है लेकिन मौलिक अधिकार को मान्यता प्राप्त है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसका एक बहुत ही फेमस केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मौलिक अधिकार अपने अस्तित्व के लिए विधायिका या राज्य की दया पर निर्भर नहीं रहते परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका इन अधिकारों की जीवन तथा मौलिक बनाते हैं, इसके लिए सरकार की सहायता आवश्यकता नहीं। देखिए, मौलिक अधिकार अपने अस्तित्व के लिए विधायिका की राज्य या दया पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब किसी के मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो स्टेट या विधायिका जो है तो जरूरी नहीं कि उनके पास डर जाए, आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, वो आपके अधिकारों की सुरक्षा को प्रदान करेंगे। लेकिन समान विधि का अधिकार राज्य या विधायिका की दया पर निर्भर करते हैं, जो समान अधिकार होते हैं वो राज्य की विधायिका और राज्य पर निर्भर करते हैं। न्यायालय इनकी व्याख्या इस प्रकार
करते हैं, न्यायालय इनकी व्याख्या इन प्रकार से करते हैं। मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रक्रिया के अभाव में राज्य की पहुंच के बाहर होते हैं और सामान्य अधिकार राज्य द्वारा प्रतिसंग्रहित किए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल राइट, ऑर्डिनरी राइट, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और प्रोसेसिव प्रेसिडेंट के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगी होगी, सही लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी इच्छा आपकी है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।